अब आप खरीद सकते हैं शिव्स म्यूजिक फ्लूट अमेजन पर, वो भी किफ़ायती दाम में। इसके साथ आपको मिलेगा एक कैरी बैग, एक बांसुरी और लिखा हुआ मैनुअल। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरी बांसुरी है और ये ट्यूटोरियल हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव्स म्यूजिक अकेडमी चैनल में। इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा भजन तुम प्रेम हो, जो कि राधा कृष्ण सीरियल का है, तो उसको हम बजाने की कोशिश करेंगे। और एक बात और, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, जहां पर मैं नोटेशंस डाला करूंगा और डालता हूं मैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये फ्लूट है ए बेस स्केल की, अगर आपके पास कोई दूसरी स्केल की फ्लूट है तो उसमें भी आपको एक जैसा ही बजाना है, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है बजाने का वो एक जैसा ही है, सिर्फ स्केल चेंज हो जाएगी लेकिन जो तरीका है वो एक जैसा रहेगा। तो एक बार मैं आपको सुना देता हूं कि कौन सी धुन है, अगर आपने नहीं सुनी तो। दोस्तों इसको हम कैसे बजाए बांसुरी पर, उसके लिए आप ये वीडियो पूरी देखिए। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले जो जिस सरगम में है उसकी सरगम की प्रैक्टिस आपको अच्छे से आनी चाहिए, मतलब कि उस सरगम में आपकी उंगलियां एकदम अच्छे से चलनी चाहिए, ताकि आगे चल के जब आप गाना बजाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, तो सरगम क्या है इसमें, सिंपल सी है, तीन होल क्लोज करके सा रे ग म प ध नी सा। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सरगम हुई। इसके अलावा आपको लो ऑक्टेव में भी प्रैक्टिस करना है। लो ऑक्टेव कहां से, सा नी ध प। तो अब आप क्या कीजिए कि स्टार्ट ही आप लो ऑक्टेव से कीजिए, यानी कि प नोट से आप शुरू कीजिए, प ध नी सा रे ग म प ध नी सा। तो एक बार सुनिए किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ये लो ऑक्टेव की प्रैक्टिस। अब यहां से फिर से उठाइए, जो भजन है जो पहली लाइन है वो आपको उठाना है लो ऑक्टेव का प नोट से। इसको बजाने के लिए एक बार आप इसको ध्यान से सुनिए, तब आपको पता लगेगा कि जो उठाया है जो फर्स्ट नोट है वो लो नोट से स्टार्ट किया है, मतलब कि जैसे फिर से सुनिए। इसमें आपको क्या करना है, प नोट से लो ऑक्टेव के प से आपको जंप करना है सा नोट पर। तुम प्रेम हो, और जो ग नोट है सा रे ग, ग नोट पर सबसे ज्यादा ठहराव है, फिर सुनिए। प सा प सा प सा रे ग रे ग। इसके बाद तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, फिर से ग नोट पर आया तुम प्रीत, यहां पर म शुद्ध प्रयोग हुआ तुम प्रीत हो, फिर से ग नोट पर ठहरा हुआ। उसके बाद अब जो ठहराव है वो शिफ्ट हो जाएगा, वो जो ठहराव हम ग पर ले रहे थे अब वो आ जाएगा म शुद्ध पर, फिर से सुनिए। प सा प सा रे, फिर म पर आपको जंप करना है। ठीक है दोस्तों, रे के बाद आपको सीधा म पर जंप करना है, ये रे हुआ और ये म हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर से सुनिए। ये म पर ठहराव है,
जो एक साथ लिया है उसको एक साथ लेते हैं। अब आपको सेम धुन एक बार और लेनी है, ठीक है दोस्तों, फिर से सुनिए। अब इसके बाद अब जो लाइन है मन मीत हो रहा है सिर्फ यहां पर चेंज आएगा, उसमें आपको गन नोट पर ही ठहरना है। मन मीत हो राधे, फिर से सुनिए। ठीक है दोस्तों, इतना आप कोशिश कीजिए और इसके आगे के नोटेशंस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा। और इसका एक फायदा और ये है कि जो मैंने आपको हिंट बता दी है तो इसके बाद खुद से ट्राई कीजिए। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करते तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिए और कोई भी डाउट होती है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके आगे की जो धुन है वो मैं आपको सुना देता हूं और आप खुद से कोशिश कीजिए निकालने की। मैंने आपको सरगम बता ही दिए तो इन्हीं सरगम में से ही सुर आपको ढूंढने हैं कि वो धुन कैसे बजेगी। तो एक बार सुन लिए जो उसका अंतरा है। ठीक है दोस्तों, तो आप कोशिश कीजिए निकालने की। मैं हिंट दे देता हूं कि जो अंतरा है वो उठेगा प नोट से। ठीक है दोस्तों, और आप इसको एज अ एक्सरसाइज लीजिए और आप मुझे कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।